नमस्कार, हाय व्यूअर्स, रेसिपी कल्याणीज में आपका फिर से स्वागत है। व्यूअर्स, आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वह है टमाटर की चटनी। यह नेपाली स्टाइल की टमाटर की चटनी है। इसे बनाना काफ़ी आसान है। यह काफ़ी टेस्टी होती है और इसका स्वाद कुछ हटकर ही होता है। तो आइए बनाते हैं नेपाली स्टाइल में टमाटर की चटनी। मगर आगे बढ़ने से पहले जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल रंग में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक कर दें, उसके बाद बेल की जो आइकन आती है उसे भी क्लिक कर। नेपाली स्टाइल में टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने ली है 2 मध्यम साइज के टमाटर, 2 सूखी लाल मिर्च, 8 बड़ी कलियां लहसुन के, थोड़ी सी बारीक कतरी हुई हरी धनिया की पत्ती, 1/4 टी स्पून नमक या स्वादानुसार नमक और सरसों का तेल। सबसे पहले टमाटर को एक जाली में रखकर इसको पकाएंगे। बीच बीच में इसे पलट पलट कर अच्छी तरह से सेक लेंगे। इसको चारों तरफ से इसके स्किन इस तरह ब्लैक होने तक अच्छी तरह से सेकेंगे। टमाटर सेकने के लिए मैं जो तार की जाली का इस्तेमाल कर रही हूँ यह आसानी से बाजार में मिल जाता है। इसका फायदा यह है कि टमाटर सीकते वक्त टमाटर का पानी गैस पर नहीं गिरता है। टमाटर सेकते वक्त आप फ्लेम को हाई नहीं करेंगे, इसे मीडियम टू लो फ्लेम में ही सेकेंगे। इसमें समय थोड़ी अधिक लगेगी लेकिन टमाटर अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये देखिए, टमाटर चारों ओर से अच्छी तरह से सिक चुका है। ये थोड़ी सिकुड़ भी चुकी है और ये अंदर तक पक चुकी है। अब इसको मैं उतार कर रख ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। अब लहसुन और सूखी मिर्च को इसी तरह एक कढ़ाई में सेक लेंगे बिना तेल के। पहले मैं लहसुन को सेक लूँगी। इसको आंच को थोड़ा मध्यम कर देती हूँ और इसको ढक देती हूँ और बीच बीच में चला दूंगी। ढक्कन खोल के मैं लहसुन को एक बार चला देती हूँ। इसको मैं छिलके के साथ ही सेक रही हूँ और फिर ढक देती हूँ। इसी कढ़ाई के लीड को हटाकर इसको फिर एक बार चला देती हूँ और फिर ढक देती हूँ। अब मैं लीड को हटाकर इसमें सूखी लाल मिर्च को दे रही हूँ। लहसुन अभी थोड़ी पक चुकी है, मैं सूखी मिर्च को अभी इसलिए दे रही हूँ ताकि ये जल्दी रोस्ट हो जाती है। इसको फिर एक बार ढक देंगे। लीड को हटाकर देखते हैं। ये देखिए, सूखी लाल मिर्च भी अच्छी तरह से सिक चुकी है और लहसुन भी सिक चुकी है। अब इसको अब मैं निकाल लेती हूँ और गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब लहसुन के छिलके को उतार लेती हूँ। इसी तरह बाकी लहसुन के छिलके भी उतार लूँगी। अब इसमें नमक थोड़ी मिलाकर अच्छी तरह से हाथ से ही मैश कर लूँगी। लहसुन, मिर्च और नमक अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब मैं टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसके मैं छिलके उतार लेती हूँ और छिलके उतार कर उसके साथ मैश कर लूँगी। अब इसमें मैं धनिया की पत्ती डाल देती हूँ, थोड़ी सी सरसों की तेल डाल देती हूँ और इन सबको अच्छी तरह से मिला मैश कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, यह रही नेपाली स्टाइल में बनी टमाटर की चटनी। इसे आप दाल रोटी के साथ लें या चावल के साथ लें, लेकिन ये सबसे अच्छा मोमो के साथ ही बैठता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।